और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पटना पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा हो गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में उन्हें बरी कर दिया गया है। चुनाव लड़ेंगे, जनता की सेवा करेंगे, अनंत का यह कहना है। जनता के लिए काम करेंगे। अनंत सिंह ने जेल से बाहर आते ही के साथ जो है बयान भी दिया है और कहा है कि चुनाव लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे। तो AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट से जुड़ा ये पूरा मामला था, जिसमें राहत जो है वो मिली है अनंत सिंह को, और राहत देते हुए उन्हें कोर्ट से अभी रिहा कर दिया गया है और बरी किया गया है उन्हें इस पूरे मामले में। जनता के लिए अब वो काम करेंगे, चुनाव लड़ेंगे ये कहा है। तो यानी कि पूरी तैयारी है अब अनंत सिंह की। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी कर दिया है। AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट केस में बरी किया गया है। जेल से बाहर निकल चुके हैं पूर्व विधायक, ने कहा कि बढ़िया लग रहा है बाहर आकर, और पैतृक गांव के लिए वो रवाना हुए हैं जेल से बाहर आने के बाद। और जेल से बाहर आते ही के साथ कहा कि वो अब जनता के लिए काम करेंगे। बाहुबली कहे जाने वाले और पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से बाहर आ चुके हैं। सुबह करीब 5 बजे उन्हें जेल से बाहर निकाला गया है, और जेल से निकलने के बाद पूर्व विधायक ने कहा है कि बाहर आकर अच्छा लग रहा है। बताया जाता है कि वो सीधे अपने पैतृक गांव लदमा के लिए रवाना होंगे। और अनंत सिंह के बेटे अभिषेक सिंह ने कहा है कि हमें कोर्ट पर भरोसा था, हमारे परिवार को यकीन था कि पापा जेल से बाहर आएंगे। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। बुधवार को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और आवास से बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में उन्हें बरी कर दिया। पूर्व विधायक के खिलाफ अब एक भी केस पेंडिंग नहीं है। इसके बाद ही अनंत सिंह के जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया था। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह बेऊर जेल से रिहा हो गए हैं। आज सुबह 5:10 पर वे जेल से रिहा किए गए हैं। बाढ़ और सचिवालय थाने में दर्ज 2 अलग अलग मामलों में उनकी रिहाई का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया था। पटना उच्च न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में रिहाई का आदेश दिया था। अनंत सिंह के जेल से रिहाई के दौरान समर्थकों की भारी भीड़ बेऊर जेल के बाहर देखने को मिली। पूर्व विधायक के दोनों बेटे भी पिता के स्वागत के लिए आए हुए थे। अनंत सिंह के बेटे अंकित ने कहा कि पिताजी का दिल से स्वागत करूंगा। बता दें कि बिहार के बाढ़ जिले में एक AK-47 जैसे घातक हथियार मिलने और बुलेट प्रूफ जैकेट की बरामदगी को लेकर अनंत सिंह को निचली अदालत में 10-10 साल की सजा सुनाई गई थी। दोनों ही मामलों में इसी कारण उनके विधायकी भी चली गई थी और 2022 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। अनंत सिंह की रिहाई को लेकर विपक्षी दलों ने कहा कि ये नीतीश सरकार की मदद की वजह से हुई है। बता दें कि इससे पहले पूर्व सांसद अनंत मोहन की भी जेल से रिहाई हुई थी, जिसको लेकर काफी राजनीति हुई थी। तो पूर्व विधायक अनंत सिंह को 5 मई को लोकसभा चुनाव के दौरान 15 दिनों की पैरोल मिली थी और उसके बाद अब उन्हें आखिरकार राहत मिली है। 5 साल में पहली बार उन्हें पैरोल दी गई थी। चुनाव से पहले पैरोल में उन्हें पुस्तैनी घर, जमीन और जायदाद के बंटवारे के लिए दी गई थी। 19 मई को पैरोल खत्म होने पर जेल जाने से पहले अनंत सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी लिखा था कि सौभाग्य ने सब दिन सोता है और देखे आगे क्या होता है। आप समस्त जनता मालिक समर्थकों से वादा है बहुत जल्द बाहर आएंगे, और अब आखिरकार अनंत सिंह बाहर आ चुके हैं। बता दें आपको कि 2005 में जदयू के टिकट से जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़े थे और उसके बाद जीत गए थे 2005 में। 2010 में दोबारा से वो विधायक बने थे। 2015 में निर्दलीय चुनाव लड़े और फिर से जीते। उसके बाद 2020 में उन्होंने राजद के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और यहाँ से भी वो जीत गए थे। 2022 में आपराधिक मामले में दोषी सिद्ध होने पर उन्हें मात्र 2 साल ही विधायक वो रह पाए और विधायकी से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद से वो जेल में थे और अब उन्हें जेल से राहत दे दी गई है। उनके दोनों बेटों ने बड़ी ही खुशी के साथ उनका स्वागत किया। उनके चाहने वाले जेल के बाहर नजर आए, उनके समर्थक जेल के बाहर नजर आए जब उन्हें रिसीव करने के लिए पहुंचे, और अब वो एक बार फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं।